क्या गलत है इसमें, कहीं भी रहो। वेलकम बैक टू द व्लॉग विद अ गुड न्यू स्माइल एंड आई डोंट वांट दिस स्माइल टू फेड अवे बिकॉज माय स्माइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ फॉर मी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब इसके लिए तो अपन कर मतलब बस स्माइल के लिए ही स्माइल करती रहूँगी मैं, जस्ट टू सी माई सेल्फ स्माइल। एनीवे गाइस, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 27th ऑफ जुलाई और जुलाई ख़त्म होने पे बस कुछ ही दिन है, नाइस अगस्त स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब और थोड़ा बारिश और थोड़ा वो और हम विंटर की तरफ थोड़ा ज़्यादा अहेड है, मतलब ठीक है। इट वॉज द वेदर अपडेट, आई एम वेरी हैप्पी कि विंटर जल्दी जल्दी आ रहा है। एंड माई हेल्थ अपडेट इज आई एम नॉट फाइन फिजिकली बट स्टिल आई विल बी ऑल गुड। और मैं ऐसे ही सो के बैठ के जो भी होगा ना मेरे से मैं बन पाएगा, मैं ब्लॉग शूट करूँगी क्योंकि दिस गिव्स मी हैप्पीनेस और इसमें इससे मेरी स्माइल आती है। वाह, ये अच्छा चल रहा है ना, मतलब प्लांट्स के साथ दिस आर माई लाइफ लाइन। इन लोगों को नहा देखूँ ना सुबह सुबह, ये लोग नहा रहे ना तो सूदिंग नहीं लगता है, ये ग्रीनरी दैट्स द ओनली सूदिंग थिंग। एनीवे अभी मैं नहाने जा रही हूँ, सुबह को मैं उठी, सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया हेल्थ की वजह से, थोड़ा मैं सोचती रेस्ट करूँ फ़ोन से, थोड़ा डिटॉक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं नहा गया कि व्लॉग एडिट करके आज का व्लॉग डालूंगी, उसके बाद ऐसे ही आप सबसे ऐसे ही बात करूँगी, कोई मूवमेंट नहीं कर सकती मैं ज़्यादा, तो आप सबको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। आई नो यू गाइस लव मी। कल भी मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर, आजकल मुझे एक कोई टेक्स्ट करते रहता है, बोलते रहता है कि अंकिता यू आर डूइंग ग्रेट, अंकिता यू आर डूइंग ग्रेट, कीप मेकिंग व्लॉग्स, हम तुम्हारा व्लॉग्स देखते हैं। मैंने बोला थैंक यू सो मच। मतलब कल का पूरा दिन ऐसा गया ना ट्रीटमेंट में, तो इतना टेंशन में आ गई। और फिर क्या हुआ, मैंने ना वो देखा, मैसेज पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए। एंड मैं भी नहाने जा रही हूँ, नहा वक्त होके आके चेंज करके फिर थोड़ा सा एडिट करूँगी एंड देन ऐसे ही घर पे रेस्ट, बेड रेस्ट थोड़ा चलता है। मुझे ना कैसी फीलिंग अभी राइट नाउ, मुझे आई गॉट अ कॉल, मैंने एक इंटरव्यू दिया था, फर्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू दिया था, वो सेकंड राउंड के लिए मैं सिलेक्ट हो गई। वो लोग अभी मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, इसके लिए मुझे मैं बाहर, दिस इंटरव्यू वॉज समथिंग विच वॉज लाइक कि मैं ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट घूम सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने बोला एंड आई रियली वांटेड दिस जॉब, मैंने ऑब्वियस सा बात है ना कि मैंने ये ट्रैवल का जॉब था जहाँ पे मैं घूम के, मतलब बहुत जगह मुझे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता और फील्ड जॉब था ऑब्वियस सा बात है। एंड मुझे एक्सपोजर काफ़ी मिलता, काफ़ी सीखने को मिलता, काफ़ी वगैरह भी मिलता। तो सेकंड राउंड के लिए इंटरव्यू लोग लेना चाहते थे, तो मैंने बोला इंटरव्यू तो मैं दे सकती हूँ लेकिन मैं शायद ज्वाइन ना कर पाऊँ क्योंकि मेरा हेल्थ का थोड़ा कंडीशन ख़राब है। किस्मत जब लेती है तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, डिवाइन पावर कुछ काम करेगी, जब कुछ होना होगा हो जाएगा। लेकिन मेरे को अभी मेंटली भी मैं यही चाहती हूँ कि मैं ये बिस्तर पर ही रहूँ पूरे टाइम, कुछ ना हो तो ना सही, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लाइफ में, देखा जाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब हेल्थ के सब कुछ, सबसे पहले आता है हेल्थ, उसके बाद सब कुछ, उसके बाद दुनियादारी। पूरा मतलब बैठने में प्रॉब्लम होती है मुझे, मैं पूरा दिन सोए कितना टाइम रहूँ, 24 आवर्स तुम सो नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। बट आई एम नॉट सैड, आई नो कि कुछ अच्छा होने के लिए बुरा हो रहा है एंड भगवान मुझे कुछ ना कुछ यू नो लाइक कुछ ना कुछ अच्छा करा रहा है। एनीवे आई हैव टू शेयर समथिंग गुड न्यूज़, ये देखो ये कितना बड़ा हो गया, मैंने सोचा था 2-3 महीने 6 महीने कितने महीने लगेंगे, लेकिन देखो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो नहीं होता है, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो होता है, अच्छा हो या बुरा, एक्सपेक्ट जो करते हैं ना वो बिल्कुल नहीं होता है, जो होना होता है वही होता है ना चाइनीज एवरग्रीन, आई लव यू, ग्रो फास्ट, ग्रो एज यू वांट एंड दिस इज सो प्रिटी। मैं तो वेट कर रही हूँ कब इसका पत्ता है, मैं सुबह उठ के ऐसे देखूँगी, आँख खोलूँगी तो इसका पत्ता मुझे दिखेगा। दिस इज सच ए गुड न्यूज़ फॉर मी। मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी लेकिन अभी फिलहाल मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मुझे सच में बात शेयर करनी थी कि लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ, लास्ट ईयर 2020 में लॉकडाउन था और मैं मेंटली ब्रोकन थी, ठीक है, इमोशनली आई वॉज सो ब्रोकन सो मच,
तो वैसे गाइज आज का व्लॉग जो है ये से बैठ बैठ के बातें ही होंगे बस, और मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकती, बाहर टहलना वहलना मेरे लिए अलाउड नहीं है। तो फैक्ट अलाउड है लेकिन मैं चल फिर नहीं सकती अच्छे से, दर्द होता है। एनीवे तो लास्ट ईयर ना क्या हुआ मुझे, मैं पूरा जो मेरा पूरा साल मैं मेंटली इमोशनली बहुत वीक थी, बहुत ब्रोकन थी, बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया। फिर मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब मेरा आया, मेरा मैं हैप्पी हुई थोड़ा यूट्यूब से, फिर थोड़ा मूव ऑन करते करते अभी मेंटली तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इस साल भगवान ने मुझे फिज़िकली कुछ दे दिया, लिटरली फिज़िकली कुछ दे दिया, एंड इतना मतलब हाँ याद आया क्या बोलना चाहिए, ऑर्गन्स अब तो फिज़िकली इस बार दे दिया मुझे। तो मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये वो नहीं है, लेकिन द फैक्ट इज़ पता है क्या, हमारे पास बहुत कुछ होता है। सांभवी मैम का एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे वो कह रही थी कि ना आपकी जो सांसें चल रही है वो एक अमेजिंग है, वो एक यूनिवर्स का पावर है, भगवान है आपको दान दिया है। सच में हेल्थ मतलब ऑर्गन्स के लिए ना थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को कि हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मैं तो मेडिटेशन करने के टाइम ये सेल्फ लव का ये चीज़ कर रही थी कि मैं अपने ऑर्गन्स के लिए भी थैंक यू बोल रही थी, और फिर क्या कर रही थी फिर ना कपालभाति वगैरह वगैरह मेरा मॉर्निंग रूटीन जो होता है ना एकदम अच्छे से तो वो कर रही थी ना। लेकिन अभी क्या हो रहा, अभी मैं तो एकदम नहीं कर पा रही। तो मैंने ना सच में अभी जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑर्गन्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने लाइफ में, ऑर्गन्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में कि आप ऑर्गन्स के लिए थैंक यू बोलो, एक ऑर्गन की वजह से पूरा एक साइड मेरा वो हो गया, अभी तो माइल्ड हुआ है बस सोचो माइल्ड। कल मुझे मैं दी से बात करी थी मेडिकल, मैंने बोला देख किडनी में ऐसा ऐसा, आई एम जस्ट लाइक दिस मच एज, लेकिन तू इतनी एज की है तू ये बात करी, मैंने तो 21-20 साल के बच्चे को एक देखा, दोनों किडनी फेलियर थे। आई वॉज लाइक शॉक ना कि वो ऐसे भी पेशेंट उसने देखा था दी ने, तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा वो होता है। इसलिए हमेशा ना सब कुछ अपने बॉडी के लिए, अपने खाने के लिए, जो टाइम टाइम खाना मिल रहा है सब कुछ के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए रे। आई थिंक लाइफ में ना सब इतना दिन जॉब 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 कर रही थी, अब जब मिल रहा है मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, सोचो ना मैं इतना जॉब 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 कर रही थी, अब जब सामने है मेरे को बस इंटरव्यू क्रैक करके मतलब इंटरव्यू देना है, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक मैं पहुँच गई इंटरव्यू देने, और शायद मैं सिलेक्ट भी हो जाती इसमें, मैंने जितना कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दिया था ना वो लोग सिलेक्ट भी कर लेते, और मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम घूम सकती थी। सोचा मेरे ब्लॉग चैनल पे मतलब कहाँ कहाँ नया नया जगह मैं जा सकती थी, लेकिन जो लिखा होता है ना किस्मत में वही होता है, आप कितना भी फाइट कर लो। 5 मिनट्स का हो गया ये बकबक, चलो कोई नहीं, ज्ञान की बात थी, कुछ अच्छा सा शेयर किया, पॉजिटिव बात तो सही था। लाइफ में ब्रोकन हार्ट, कभी अपना वो 2020 का जर्नी शेयर करूँगी, कभी मेरा लॉकडाउन का टाइम का, और तो 2019 का जो जर्नी था मेरा लास्ट पार्ट का, जब मैंने टीस ज्वाइन किया उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब मेंटली कितनी मैं ज़्यादा सफ़र की वो सब मैं एक दिन शेयर करूँगी, क्या हुआ था मेरे साथ, मेरा पास्ट आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइज। मेरा बहुत मन है कि मैं शेयर करूँ लेकिन मैं अंदर से वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रही कि मैं इतना बड़ा बात इतना बड़ा पर्सनल बात एक मेरे वीडियोज़ में बताऊँ मैं, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर पक्का बताऊँगी। एंड आई थिंक बताना इसलिए चाहिए क्योंकि इससे आपको ना कुछ अच्छा सा मतलब पॉजिटिव मिलेगा कि हाउ डिड आई ओवरकेम दैट पेन जो मेरे इतना, और मैं अभी भी ओवरकम कर रही हूँ, ट्रस्ट में अभी भी ओवरकम, अभी भी मेरा प्रोसेस चल रहा है, अभी भी मुझे रिलैप्स होते हैं कभी कभार, मुझे पास्ट मेरे को हॉन्ट करता है, ठीक है, मुझे दर्द होता है, फिर मैं उसको एनालिसिस लगाती हूँ, फिर उसको ठीक करती हूँ, फिर अंडरस्टैंड करती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है करती हूँ। तो यस आई विल ऑल्सो शेयर दैट जर्नी, एंड आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं दर्द से, पेन से, इमोशनल मेंटल हेल्थ के बेसिस पे, मेंटल हेल्थ से आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, वो शायद मैं आज शेयर करती हूँ गाइस। आज अर्पिता ने सबके लिए खाना परोसा, पापा को खाना दिया, पापा को मम्मी एक्चुअली ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप के किसी काम के लिए मम्मी को मीटिंग में जाना पड़ा, तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा करके मैंने वो सब्जी बनाया, वो क्या सब्जी था अर्पिता क्या खाया हमने, छाना का तरकारी छाना, हाँ पनीर मतलब होम मेड छाना का सब्जी। ये अभी क्या करेगा वो प्लेट धोएगा, वो मेरा खाना का प्लेट हो गया मेरा, अर्पिता ने इतना काम किया। छाना का सब्जी मैंने बनाया और छाना का सब्जी मैंने बनाया और टेस्टी था, अच्छा था। ये बोला, ये भाई मेरे को बोलता है कि तू मत बनाया कर, टेस्टी नहीं होता है, लेकिन आज मसाला मम्मी ने करके दिया। प्रे किया ना, वो प्रे किया भगवान से कि अच्छा वो पनीर का सब्जी सब सही हो मतलब, ठीक है, लेकिन वो सब्जी सही था क्योंकि मसाला मम्मी ने रेडी करके दिया, बाकी जितना ओवरऑल का काम था वो मैंने किया, तो फिर उतारा वगैरह अर्पिता ने किया।
ठीक है, मतलब मेरे से जितना बन पा रहा है घर का काम मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, तो पूरा दिन तो मैं बेड पे नहीं रह सकती ना, इसको भी पेट में दर्द है। हमारा व्यवहार तक खोना बोले तो चाशना में पब्लिक हुए थे, मतलब अर्पिता को भी थोड़ा थोड़ा पेन है। ओ सिंपति दे दो रे कोई, इसको सिंपति दे दो, पर मेरे को सिंपति की जरूरत नहीं है, आई एम आई बी फाइन, मेडिसिन की जरूरत है बस, मेडिसिन ले रहा है तो ठीक है, है ना, ठीक है ना। लेकिन मैं वज्र आसन कर रही थी, क्या कर रही है, हाँ ऐसे बैठती मैं खाना खाने के बाद। इससे काम करवाने का एक अच्छा उपाय है, इससे काम करवाने का आराम, मतलब हम तो आराम फरमा रहे हैं, देखो देखो पैर से पैर उठ, पैर पे पैर रख के वो सांस लो काम कर, उस मारिश नहीं तुरे मार कभी, तो पैर पे पैर रख के आराम आराम फरमा रहे हैं, नहीं आराम नहीं, मतलब आराम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो रामू काका हमारा, रामू काका रामू काका रामू काका बेचारा रिवील हो गया तेरा, तू क्या, अगर आपके घर में भी काम है मुझे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दीजिएगा प्लीज। हाँ इसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस अगर आपके घर में कोई हाउस होल्ड वर्क है तो। बहुत कम वेतन लेता हूँ, वेतन मतलब मंथली सैलरी, जोर से बोल, हाँ मंथली सैलरी कम, कितना लेते हैं भैया आप? बहुत कम, अरे आप तो भैया नहीं, रामू काका है, ओनली 30,000 and he doesn't use Google Pay, वो पेपल पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसको। Google Pay use करता हूँ। Google Pay, ओ आप करते हैं क्या? अच्छा अच्छा। Google Pay में मौजूद हूँ और अच्छा काम करता हूँ, साफ़ कर देता हूँ। एकदम साफ़ा, साफ कर देगा, घर साफ कर देगा, मतलब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या साफ करता है वो? साफ कर देता है कोई? नहीं हम लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते कि तेरा ना हम तेरे को घर जमाई बनाएंगे, मतलब तू शादी करके अपने ससुराल चला जाना, तो कभी कभार बोलते हैं हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ले सकता है तो ले जा हमारे भाई को घर पर जमाई बना के। मम्मी बोलते हैं तेरे को शादी करके घर जमाई बना दूंगी, और इन दोनों का तो ऑलरेडी शादी करके ये दोनों तो जाएंगे बोलते हैं ऐसे कभी कभी मजाक मजाक, लेकिन किस्मत में कुछ भी हो सकता है यार, और घर जमाई बनना कोई गलत बात नहीं है, आप बन सकते हो, कुछ गलत बात नहीं है, सुसाइड मतलब एक बात ना इससे और ज़्यादा। ओ माय एनालिसिस हाँ लेट मी शेयर यू माय एनालिसिस, कि लड़कों के लिए भी ना पेट्रियार्की सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल लड़का क्या जॉब करता है, लड़का दिखने जाओ तो लड़का क्या जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है कि नहीं, तभी बेटी मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, फिर लड़की क्या करती है, लड़की को घर के काम आते हैं कि नहीं, तो मतलब समझ में आ रहा है पेट्रियार्की सोसाइटी में ना, मतलब अगर कोई लड़का अगर शादी करके ससुराल में रहता है ना तो उसको कितना कुछ बोलेगा ये सोसाइटी, मतलब छोड़ता नहीं है। अरे क्या गलत है इसमें, कहीं भी रहो यार, शादी के बाद तुम जॉब के लिए कितना दूर रहते हो तो हाउस बदल रहे, इसका मतलब कुछ गलत नहीं है। आई डोंट नो, मुझे तो एटलीस्ट कुछ हाँ ठीक है, बट किसी को हर्ट मत करो, कोई अगर चल हर्ट तो हो ही जाएंगे। और एक बात कि आप ना दुनिया में सबके लाइफ सबके ना आँखों में सबके आँखों में अच्छा नहीं बन सकते, किसी की आँखों में आप बहुत बुरा बनोगे, किसी की आँखों में आप अच्छा बनोगे, तो लाइफ ऐसी है। मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, कोई कोई बहुत क्रिटिक करता है, कोई कोई बहुत प्यार करता है, ठीक है, वैसे ही उसी तरह है हम सब इंसान भी, कि कोई हमें पसंद करता है कोई हमें नहीं पसंद करता है, तो इंसान पर डिपेंड करता है कि आप यू बी द रियल सेल्फ, मतलब आप जैसे हो आप वैसे रहो, कुछ दूसरों के लिए आप मत बदलो, किसी को आप अच्छे लगोगे किसी को आप नहीं अच्छे लगोगे, सिंपल बात। मेरी मम्मी कहती है कि कोई कोई देखना तेरा वीडियो लाइक नहीं करेंगे, कोई तेरा वीडियो कोई पसंद नहीं करेगा कोई पसंद करेगा, तो दुनिया ऐसी है चलती रहती है, मतलब बैलेंस ना 50-50 पे चलती है, डिसलाइक लाइक ठीक डिसलाइक तो ऐसे ही चलती है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना बींग ए सोशल साइंस स्टूडेंट कि नथिंग इज ऑब्जेक्टिव कि ऐसा ही है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दूँ, प्लांट देख के तो ये लग रहा था कि ग्रीन है, प्लांट्स ग्रीन है, पर डिफॉल्ट प्लांट ग्रीन है ऐसा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब कुछ सब्जेक्टिव होता है लाइफ में, आप कैसे सोचते हो आपका वर्ल्ड व्यू से सब कुछ होता है। आप अगर सोच रहे हो कि घर जमाई बनना कोई गलत बात नहीं है तो नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप घर जमाई बनो उसी घर को, आपके वाइफ के घर को भी देख रहे हो, आपके पापा का घर को भी देख रहे हो, अपने घर को भी देख रहे हो, जैसे बहू करती है, जैसे
बहू करती हूँ मैं बहू, अरे मैंने ऐसे क्यों दिखाया, मतलब शायद मैं भी कभी करूँगी फ्यूचर में, तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को भी देखूँ, अपने सास ससुर को भी देखूँ, अपना हस्बैंड का घर भी देखूँ, अपना मेरा खुद का घर भी देखूँ, तो एवरीबडी एक्सपेक्टेड, एवरी पेरेंट्स बहुत मेहनत कर, लड़की का माँ भी लड़की को जिस तरह पालता है, एक लड़के का माँ भी लड़के को उसी तरह पालता है। यहाँ पे हमारे पोटरिया की सोसाइटी में लड़का का माँ है, लड़का का फैमिली है तो ज़्यादा स्टैंडर्ड, लड़की का है तो नहीं, जैसे कि शादी करने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत, मतलब वीडियो बनाते रहोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बहुत मन करता है कि ये सब जब बातें आप लोगों से शेयर करूँ, मैं तो मेरा एनालिसिस में क्या सोचती हूँ, मेरा थिंकिंग वगैरह ये सब साइंस में, और आई थिंक बहुत कोई एग्री करेगा अभी मेरे पे और बहुत कोई एग्री नहीं भी करेगा, मैं ये हमेशा बताती हूँ, क्रिटिक करेगा, क्रिटिक और सपोर्ट भी करेगा, एग्री भी करेगा, सो इसी में लाइफ है यार। गाइस वहाँ पे ना कुछ हो रहा है पता नहीं, मतलब मीडिया है वहाँ पे, बहुत सारे लोग और कैंडल्स भी जलाए, पुलिस भी है, यहाँ से थोड़ा दिख नहीं रहा है ज़्यादा अच्छे से, लेकिन कुछ चेक हो रहा है जहाँ पे मीडिया भी कुछ किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ से पास हो रही थी तो मैं सोचा थोड़ा, ये कहाँ हो रहा है पता है, ये पगला स्थान जो है ना उधर टर्निंग एकदम वहाँ पे हो रहा है, पगला स्थान का टर्निंग पे, मतलब जो गुरुद्वारा है ना गुरुद्वारा के एकदम बिल्कुल यहाँ पे बंगाईगांव में। मैं अभी डॉक्टर के पास आई तो ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन, अभी मुझे मेडिसिन मिलेगा बहुत सारा, बोला है कि मेडिसिन खाने से सब ठीक हो जाएगा नॉर्मली, तो आई एम फीलिंग बिट गुड, मतलब अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन पेन मुझे अभी बहुत हो रहा है, वो कुछ दे रहे हैं, अभी मेडिसिन लेके फिर घर जाऊँगी। अभी कितना बजे है, 7:30 ऐसा कुछ होगा, ब्लॉग आ गया है इस चैनल पर, ब्लॉग आ गया, ये ओके मेडिसिन ले लिया, अभी घर वापस जाने का बारी, चलो इसको रखो अंदर। गाइस मैं घर वापस जा रही हूँ डॉक्टर दिखा के, मतलब मैं मेडिसिन लेने आई थी, प्रोटेस्ट चल रहा था ना, क्या मीडिया आया था, देखो इसका प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब प्रोटेस्ट था कुछ भी हम पता नहीं, ऐसा पढ़ना मुझे ठीक से आता है नहीं है ना, तो इसलिए खाली मेडिकल शॉप से खुले रहते हैं, वो भी मैं भी मेडिसिन लेने गई थी। साइकिल में चलने का ना एक बेस्ट बात बताती हूँ कि साइकिल में चलने से ना आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ता है रास्ते में, अब आराम से जा सकते हो, हर जगह आपको मेडिकल शॉप्स खुले दिखेंगे ही दिखेंगे। पता है कि एक गुड न्यूज़ है, बंगाईगांव में पैंटलून्स खुल रहा है, मैं तो कितनी खुश हो गई जान के, बिल्कुल रिलायंस ट्रेंड के बिल्कुल बाजू में खुल रहा है उस तरफ, मैं उस तरफ शूट नहीं कर पाई ना एकदम, मुझे पता नहीं था, मैंने जस्ट डायरेक्ट देखा और मैं एकदम बिल्कुल खुश हो गई। और ये पगला स्थान का मोड़, टर्निंग लेते हुए मैं और भाई, साइकिल में पीछे बैठी मैं, वाह अच्छा लग रहा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, थैंक यू भाई। गरवाला सैनिटरी गाइस आई एंड दिस व्लॉग हियर ओनली, अभी मैं घर जा रही हूँ, बंगाईगांव के सर के दिखा के घर जा रही हूँ एक्चुअली। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भूलना नहीं। आई सी ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।